दिवाली के बाद खराब हुई एयर क्वालिटी के मामले में एनजीटी आज करेगा सुनवाई। ट्रिब्यूनल ने खुद ही ये संज्ञान लिया है। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को भी तुरंत मीटिंग बुलाने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में बुधवार को 17 सालों का सबसे भयंकर धुंध वाला दिन रहा था। प्रदूषण और ठंड के मिले जुले असर से हालात ऐसे बन गए हैं कि लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। दिल्ली की हवा 17 सालों में सबसे खतरनाक हुई। दिल्ली की जहरीली हवा मौत बांटती है। ये कोहरा नहीं, धुंध की ऐसी चादर है जो दिल्ली वालों को बीमार, बहुत बीमार कर रही है। 2 नवंबर को दिल्ली एनसीआर में 17 साल की सबसे भयंकर धुंध रही। प्रदूषण और ठंड के मिले जुले असर से हालात ऐसे बन गए हैं कि लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा है। जिन लोगों को सांस की बीमारी बिल्कुल भी नहीं है, उनके लिए भी ये प्रदूषित हवा बेहद जानलेवा है। नॉर्मल लोगों में खांसी, जुकाम, नजला, बलगम जैसी बीमारियों को बढ़ावा दे रही है। गुरुवार को PM 2.5 का दिल्ली का एवरेज लेवल सुबह के बाद 995 MGCM तक पहुंच गया, जो बेहद खतरनाक माना जाता है। दिवाली के बाद से प्रदूषण की वजह से पूरे NCR में धुंध के हालात हैं। यहां तक कि स्कूल बंद करने की नौबत आ गई है। श्रीराम स्कूल ने दिल्ली और गुड़गांव में सोमवार तक 9वीं क्लास तक के बच्चों को छुट्टी दे दी है। कुछ स्कूलों ने खेल और सुबह की असेंबली को रद्द कर दिया है। प्रदूषण को लेकर एनजीटी ने दिल्ली सरकार को लापरवाही के लिए फटकार भी लगाई है। प्रदूषण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली के मुख्य सचिव को तुरंत जरूरी कदम उठाने को कहा है। एनजीटी इस पर आज सुनवाई कर सकता है। हालात से निपटने के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने आज दिल्ली, हरियाणा और यूपी के सचिवों की बैठक बुलाई है। इसके बाद देश के सभी राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों की भी बैठक होगी। एक रोड मैप सबके सामने रखेंगे और हम अपेक्षा करेंगे कि उसमें जितना केंद्र को चलना है वो केंद्र चले, जितना राज्यों को चलना है वो राज्य चले। स्थिति को देखते हुए केंद्र ने राज्यों को एडवाइजरी जारी करने का फैसला लिया है। दूसरी ओर दिल्ली सरकार का दावा है कि दिल्ली में धुंध और खराब हवा की वजह पंजाब और हरियाणा में जलाई जा रही पराली है। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर पराली जलाने पर रोक लगाने की मांग की है। पर्यावरण के जानकार भी इसे दिल्ली में प्रदूषण का बड़ा कारण मान रहे हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के मुताबिक इसे अब इमरजेंसी के तौर पर लेना चाहिए और दिल्ली सरकार को एडवाइजरी जारी कर बुजुर्गों और बच्चों को घरों में रहने को कहना चाहिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राजधानी में पॉल्यूशन पर सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। ये जो प्रदूषण है ये एक हेल्दी इंसान को इफेक्ट करेगा अगर वो उसके एक्सपोजर में ज्यादा समय रहेगा, और जिनको ऑलरेडी ये बीमारी है उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा जानलेवा हो चुका है ये प्रदूषण, कि इतना ज्यादा लेवल शूट अप कर गया है। अगर हम सुबह सुबह की बात करेंगे तो सुबह सुबह कम से कम 27% ज्यादा था प्रदूषण उसी रात के कंपैरिजन में, तो मतलब प्रदूषण लेवल इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वो अब जानलेवा हो रहा है लोगों के लिए। सवाल उठता है कि नवंबर दिसंबर के महीने हर बार प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है, फिर सरकारें पहले से हालात सुधारने की कोशिश क्यों नहीं करती हैं? क्या 1942 में दिल्ली चलो का नारा प्रदूषण के चलते 2017 में दिल्ली छोड़ो में बदल जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।